हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग. सो टुडे इज डे 18 ऑफ 75 हार्ट 3.0 रोनीज वे. हे टेडियंस, आ गई आपकी टेडी. चलिए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए और हाँ, घंटी बजाना मत भूलना. और सुबह का मेरा जो भी पूजा पाठ करने वाला है सब हो गया. अब एक्चुअली घी वाटर लेने का टाइम है, बट कल रात को मुझे सोने में 11 बज रहे, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है. सो आई एम लाइक थिंकिंग कि मैं थोड़ा सा लेट जाऊँ, लाइक 2 घंटे एटलीस्ट, बिकॉज डार्क सर्कल जाने लगता है और फिर दिन भर हेडेक होने लगता है. तो मैं अभी लेट जाती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ा और बढ़िया से फिर उठकर अपना जो है घी वाटर, क्योंकि मेरे को फिर से आज दिन भर में थोड़ा सा बाहर जाना है, तो मेरा वॉकिंग तो वहाँ पर कवर हो जाएगा. और जो वर्कआउट है वो मैं शाम के सेशन में कर लूँगी. और मेरे को फिर पैकिंग एंड ऑल भी सब चालू है, तो बहुत थकावट हो रही है एक्चुअल में. ठीक है, तो हॉल तो सबसे लास्ट में पैक होगा, बाकी सब अंदर का पहले पैक हो रहा है. तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से थोड़ी देर में, लाइक आप लोगों के थोड़ी देर में, मेरे 2-3-4 घंटे में. ओके, सो इट इज़ 9:40 एंड आई वोकअप एट 9:15, गॉट अ लिटिल बिट फ्रेशन अप एंड ऑल. राइट नाउ हैविंग माय घी वाटर, जस्ट लेट मी शो यू. घी वाटर, बादाम. एक्चुअल में कल भिगाना भूल गई, मस्त नींद हो गई. आई नीडेड दैट स्लीप यार, क्या करो, यू नो लगता है कभी कभी ऐसा. तो और अब तो इतना काम चल रहा है ना घर में, सब ये पैकिंग वो पैकिंग, तो उसमें तो और ज़्यादा. सो व्हाट आई विल डू इज मैं अभी तुरंत सत्तू मिल्कशेक अपने लिए बना लेती हूँ, क्योंकि मैं बादाम भी भिगाना भूल गई कल रात को, तो सोक्ट वाले बादाम नहीं है. सो आई विल हैव बादाम इन माय सत्तू मिल्कशेक, उसको ग्राइंड कर लूँगी उसी के साथ. एंड उसके बाद तुरंत सुबह ही नहाई हूँ, थोड़ा सा फ्रेशन अप हो गई हूँ, गंगा जल छिड़क लिया है एंड बढ़िया से फिर से मैं सारे काम में लग जाती हूँ घर के. ओके, क्योंकि अब वर्कआउट और ये तो मेरे को शाम को ही करना है, वॉक भी और क्या बोलते हैं, हाँ लंच में देखते हैं क्या करते हैं. सो गाइज, द हाउस हैज स्टार्टेड गोइंग ऑन मेसिंग अप. तो ये रहा कल दाल खिचड़ी जो बनाया था, थोड़ा सा बचा था, सो वी विल हैव दैट ओनली. और इसके साथ नारियल पानी ले लूंगी एक. एंड अभी बज रहे हैं 2:15 हो रहे हैं. लेट मी ना जस्ट गो टू द न्यू हाउस, पूरा सेटअप करूँ, फिर बढ़िया बढ़िया अच्छे सेटअप में कुकिंग चैनल के रेसिपीज भी आएंगे. तब मैं ये वाली दाल खिचड़ी भी बनाऊंगी, डोंट वरी. सो यस, डन विद द दाल खिचड़ी. लाइक 5-10 मिनट हो गए, तो मैंने सोचा थोड़ा नारियल पानी ले लेते हैं. अभी मैं सोचू थोड़ा नारियल पानी नहीं, 1 नारियल पानी. प्यास लग रही है. चलो जूस पिया जाए. अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं और मैं सारा सब कुछ पैकिंग में लगी हूँ. अभी डिनर भी बनाना है यार, क्या करें समझ में नहीं आ रहा, देखते हैं. सो डिनर में आज एकदम फटाफट से बना लिया है दाल राइस, चपाती बनाने का टाइम नहीं है कतई, बिल्कुल भी नहीं. बज रहे हैं 7, एकदम शार्प 7 बज रहे हैं. तो दाल राइस और साथ में है लोबिया, मैंने कल सोक करके रखा था, तो सोचा आज उसका फटाफट से जो है बना देते हैं. आटा गूना नहीं है यार, और मैं कब से इसी में लगी, तो फटाफट से. मैंने थोड़ा बहुत अपना आज लिटरली मैंने 15 मिनट्स अपना वर्कआउट किया, ज़्यादा नहीं किया, 15 मिनट्स बस, हल्की स्ट्रेचिंग्स की, कुछ योगा का, भुजंगासन वगैरह वो सब किया, क्योंकि अभी देख रहे हो मेरे घर की हालत कैसे, वैसे मैंने कैसे किया है आई कैन नॉट एक्सप्लेन. और मेरे को अभी फिर से जाना है नीचे, तो मेरे वहाँ पर थोड़ा सा वॉक हो जाएगा. तो आज के दिन में सब थोड़ा थोड़ा हुआ है लाइक दैट, खाना पीना ही सब टाइम पर नहीं है, तो क्या ही बोले. चलो आई विल फिनिश माई डिनर एंड देन आई विल मीट यू. ठीक है,